और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां प्रियंका गांधी संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। राज्यसभा के सदस्य आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, जो सब देश के युवाओं के, किसानों के, बेरोजगारों की धड़कन है, और जिन्होंने अभी अभी अपने शब्दों में यहाँ पे भाषण किया, वो हमारे नेता प्रियंका जी, हमारे वेणुगोपाल जी और सभी मंचासीन प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामने बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए हमारे AICC के मेंबर, PCC के मेंबर और कार्यकर्ता, नेता लोग और प्रेस के मेरे भाइयों, ये 25वां AICC का प्रीलिमिनरी सेशन है। और उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है, जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहां जहां हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा? ये कांग्रेस पार्टी इन 3 दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है, जैसे किसानों के लिए, मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तरह हमें किसानों के लिए एक योजना बनानी है। तो ये सब बातें पब्लिक तक पहुंचाना हमारा काम है, और इसमें आपकी बहुत अहमियत है। तो एक साथ हमें काम करना पड़ेगा, चाहे महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए, चाहे ये समझाना कि जबकि देश का किसान आज कर्ज में डूब रहा है, मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन जमीन प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों को मुफ्त में दिलवा रहे हैं। आज हमें देश को दिखाना पड़ेगा कि किस तरह कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी 2-3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है, नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है, किसानों को कर्ज माफ नहीं होते लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है, हमसे उम्मीदें हैं, ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है आज, और मैं जानती हूं कि हम इस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं कि आपकी मेहनत से, हमारी मेहनत से, हमारी एकजुटता से, हमारे समर्पण से और अपने संविधान के प्रति हमारी निष्ठा से हम सब इस काम को करके दिखा सकते हैं। तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो आप नए लोगों को जोड़िए। नए लोग जुड़ते कैसे हैं? विचारधारा से जुड़ते हैं, जज्बातों से जुड़ते हैं और आपका मिसाल देख के जुड़ते हैं। तो हमें मिसाल बनना चाहिए कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी राजनीति करनी है। जब जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठते हैं जिससे जनता का कोई मतलब नहीं है। क्यों कह रही हूँ कि मतलब नहीं है? क्योंकि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए कि किस तरह से विकास होगा, भविष्य में हम क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, कौन सा सकारात्मक कदम हम उठाने जा रहे हैं। ये हमारी राजनीति होनी चाहिए। और आजकल की जो राजनीति है, जो देश का माहौल है,
जो नकारात्मक है उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सकारात्मक तरह से भविष्य के लिए अपने प्रस्ताव रखने पड़ेंगे और अपनी बात रखनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे।